हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वह हमारी तारीख है। इसके लिखने वाले शायर का नाम जानसार अख्तर है। जानसार अख्तर साहब ने हमारी तारीख में हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाईचारे के तालमेल के बारे में कहा है। तो हमारी तारीख में जानसार अख्तर साहब क्या फरमाते हैं, कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। जब आप इसकी तशरीह करोगे आप क्या लिखोगे, नज़म का ये टुकड़ा हमारी नसाबी किताब बहारिस्तान उर्दू के हिस्सा नज़म हमारी तारीख से लिया गया है और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम जानसार अख्तर है। या लिखने वाले अगर नहीं भी लिखोगे आप सीधा लिख सकते हो, इसके मुसन्निफ़ का नाम जानसार अख्तर है। फिर लिखोगे तशरी, क्या लिखोगे तशरी में, कि चाहे कोई भी घर हो, चाहे हिंदू का घर हो, मुसलमान का घर हो या किसी दूसरे मज़हब का घर हो, तो जब दिवाली आती थी तो हर एक के घर में दिए जलते थे, यानी खुशी खुशी जो इंसान दिए जलाते हैं दिवाली के टाइम, और जब ईद आ जाती तो हर एक के सीने में, हर एक इंसान के सीने में खुशी आ जाती थी, चाहे वो हिंदू हो या चाहे वो मुसलमान हो। और फिर जब होली आती थी तो होली में जब रंग बिखरते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इसी तरह हर एक के दिल जो हैं वो लाले की तरह, हर एक का चेहरा जो लाले के फूलों की तरह, लाले का फूल होता है सुर्ख रंग का एक फूल, तो क्या होता है कि इन फूलों की तरह हर एक का चेहरा खिल उठता था। फिर अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, इसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा। तो क्या बोल रहे हैं कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए, यानी अजनबी, यहाँ पे अंग्रेज़ों के लिए कहा गया है कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए तो इसने जब हमारी तारीख को लिखा, हमारी दास्तान को लिखा, तो कुछ नहीं रह गया अब इसको कहने के सिवा, सिर्फ एक तोहमत कह सकते हैं कि तोहमत लगा ली हमारे मुल्क पे, क्योंकि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने हमारे प्यार को नफ़रत में बदल दिया। जो आपस में हिंदू मुस्लिम का आपस में प्यार होता था इन्होंने इसको बदल दिया, तोड़ दिया। क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा, और कुछ नहीं कह सकते हम, सिर्फ ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर सिर्फ सियासत खेली और हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया। अगले बंद में जानसार अख्तर साहब क्या फरमाते हैं, ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोई व दिलदारी की, तेरी तारीख है मोहब्बत की वफादारी की, तारीख तेरी तारीख इकफात की रवादारी की। क्या बोलते हैं अगले बन में, कि ए वतन हम तेरी तारीख फिर से लिखेंगे, दोबारा से हम तेरी तारीख लिखेंगे, क्यों, तेरी तारीख जो है वो तसल्ली की तारीख है, दिलजोई होती है तसल्ली करना, दिलदारी की, दिलदारी होता है दिल रखना यानी मोहब्बत से पेश आना, जो तेरी तारीख है वो मोहब्बत से पेश आने की तारीख है। तेरी तारीख में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं करता था, कोई भी एक भाई दूसरे भाई से नहीं लड़ता था, तेरी तारीख मोहब्बत की है, वफा की तारीख है, तेरी तारीख इकवात होते भाईचारा, यानी तेरी तारीख जो है वो भाईचारे की तारीख है और रवादारी की तारीख है, यानी हम जो लोग हैं वो दोबारा से वही तारीख लिखेंगे जैसे कि पहले, यानी अंग्रेज़ों से आने से पहले हिंदुस्तान की तारीख थी, अंग्रेज़ों से आने से पहले जैसे हिंदुस्तान के लोग रहते थे, आपस में भाईचारे को जैसे लोगों ने पहले कायम रखा था, अब हम दोबारा से वही तारीख लिखेंगे जिसमें हिंदू मुस्लिम जो हैं वो भाई भाई बनकर रहेंगे। तेरी तारीख है कुरान का गीता का वर्क, आश्ती अमन अहिंसा के असूलों का सबक, दोहरा से अपना मुकाबिल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चश्ती कोई नानक न उठा। अगले बंद में जानसार अख्तर साहब क्या फरमाते हैं, कि जो तेरी तारीख है, तेरी तारीख में कुरान और गीता का वर्क लिखा है, तेरी तारीख
जो है वो आश्ती यानी दोस्ती की तारीख है, अमन की तारीख है, अहिंसा के असूलों का सबक देती है तेरी तारीख। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है कि जुल्म और ज्यादती ना करना। कभी हिंदुस्तान में जुल्म और ज्यादती नहीं होती थी, कभी आपस में हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ते थे, कभी एक दूसरे पे जुल्म और सितम नहीं करते थे। अब दोबारा से हम वही तारीख लिखेंगे। दोहरा से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा। दोहरा यानी ज़माना से इतना ही अरसा गुजर गया, अभी तक हिंदुस्तान के काबिल, हिंदुस्तान के मुकाबले में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं रहा जहां पर किसी गौतम ने, किसी चश्ती ने या किसी नानक ने जन्म लिया हो। ये यही हिंदुस्तान है जहां गौतम भी आए, चश्ती भी आए और नानक भी आए और इन्होंने आपस में भाईचारे का सबक दिया। अगले बन में क्या फरमाते हैं, आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद है, तंग जज्बात के गहरों से निकल आए हैं हम, जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे इन तहसुब के अंधेरों से निकल आए हैं हम। तो अब क्या फरमाते हैं जानसार अख्तर साहब कि आज आज़ाद हैं हम और हमारा जहन भी आज़ाद है, हमारे जो जज्बात, जो तंग जज्बात थे उनसे हम निकल आए हैं। हमारी जो तंग नज़र थी, जब जिस तंग नज़र से हम हिंदू मुस्लिम करते थे, उस नज़रिए से हम बाहर निकल आए हैं। जो फरंगी ने सियासत के कांटे बोए थे यानी तहसुब के, तंग नज़री के कांटे बोए थे, अब हम उन अंधेरों से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, और अगले बन में क्या फरमाते हैं, एक है अपना वतन, एक ज़मीं एक हैं हम, एक हैं फिक्रो अमल एक यकीन एक हैं हम, कौन कहता है कि हम एक नहीं एक हैं हम। अगले बार में फरमाते हैं कि ये तमाम लोगों के लिए है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि हमारा वतन जो है वो एक है, एक ही ज़मीन है हमारी और हम सब एक हैं, बिना मज़हब के बिना मिल्लत, कोई हिंदू नहीं है कोई मुसलमान नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हमारी ज़मीन है, हमारा वतन है। एक है फिक्र अमल, हम सबको एक ही फिक्र लाहक होनी चाहिए, एक ही यकीन होना चाहिए हमें कि हम सब एक हैं। कोई यहाँ पर हिंदू नहीं है, कोई यहाँ पर मुस्लिम नहीं है, कोई यहाँ पर सिख नहीं है, कोई यहाँ पर ईसाई नहीं है, यानी हम सब लोग जो हैं वो एक हैं। कौन कहता है हम एक नहीं, कोई ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमें कह सके कि हम एक नहीं हैं, हम सब एक हैं। मुझे उम्मीद है ये नज़म आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी मैं यही कहूँगा कि घर में रहकर इसको दोबारा दोबारा आप सुन सकते हैं और आप इसकी तशरीह लिख सकते हैं। थैंक यू।